नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मोहन सिस्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से इससे अब मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो मैं जो बाइसल सिग्नल आप लोगों को स्कम स्क्रीनर आप लोगों को दिखा रहा था और उसके बाद स्क्रीन कर रहा था। देखिए, मैंने तो पहला वीडियो में मैंने वोलेटिलिटी और प्राइस को ग्रेटर देन 100 किया, वोलेटिलिटी को ग्रेटर देन 2 किया और डिलीवरी परसेंटेज को लेस देन 20 कर दिया। उस वीडियो में और भी दिखाया था आप लोगों को कि कैसे कौन से एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया और वो क्या काम में आ सकता है। अभी देखिए, प्रोबेबिलिटी भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया हूँ, उसको भी सबसे भी स्क्रीन कर लेता है। ये प्रोबेबिलिटी 1/2 था, इसमें दे दूंगा तो थोड़ा सा कम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 2 को करूंगा तो इसको मैंने टॉलरेंस ऐसे ही काम करके रखा हूँ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 1/2 तो हो गया और ये प्रोबेबिलिटी 3 1 डे का हिसाब से बनाया गया, 3 डे का हिसाब से बनाया गया, 5 डे का हिसाब से बनाया गया, 15 डे का हिसाब से बनाया गया और ये 30 डेज का, और ये भी 30 डेज का दूसरा तरीका से बनाया गया। एनीवे, इसको भी स्क्रीन कर लेते हैं। इसको स्क्रीन करने से थोड़ा सा कम आ जाएगा, तब भी देख लेते हैं। और ये देखिए, पिवट पॉइंट और R1 के बीच ये दोनों ही है जो स्क्रीनिंग करके भी निकला, वो दोनों जो आ रहा है उसका LTP का पोजीशन भी ऐसे ही, ये दोनों ही आ रहा है। LTP का पोजीशन देखिए, पिवट पॉइंट और R1 के बीच में इंट्राडे में ये है और स्विंग ट्रेडिंग 5 डे का भी ये दोनों आ रहा है और 15 डे का हिसाब से ये सब आ गया है। ठीक है, उसको भी स्क्रीन कर लेता है। उसको स्क्रीन करके ये दोनों निकलेगा तो ये दोनों का बाय सेल सिग्नल कम्स बाय सेल लेवल आप लोग देख सकता है। ये बाय सेल लेवल आप लोगों को दूसरा लेवल मिलेगा मेरा रिकमेंडेशन का सेक्शन में, रिकमेंडेशन इक्विटी और माय फेवरेट्स में। उसका इसका भी ये लेवल भी देख सकता है, उसका हिसाब से इसका देखिए, ये रेफरेंस को भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ये आप लोग को फुल चीज़ आप लोगों को पेड मेरा पेड सर्विस में मिलेगा। ये रेफरेंस भी आप लोग देख सकते हैं और निफ्टी का हिसाब से ये कैसे मूवमेंट हो रहा है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सोच लीजिए, मैंने दिया बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो इसको आप लोग देख सकते हैं निफ्टी ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा ये कैसे बिहेव कर सकता है, ये भी आप लोग चेक कर देख सकता है। निफ्टी जब ऊपर जाएगा कि ये कैसे भी कर सकता है। सोच लीजिए, अभी 429 या 450 तक जाएगा, वो कैसे हो सकता है और नीचे जाएगा तो वो कैसे भी कर सकता है। इसमें इंडस्ट्रीज निकला और क्या निकला, KCL, तो उसको भी आप लोग देख सकता है कि निफ्टी का मूवमेंट का हिसाब से वो कैसा बिहेव कर सकता है। ऐसे वो निफ्टी आप चाहेगा तो ये भी वन डे, 3 डे, 5 डे, 15 डे, 30 डे का हिसाब से बनाया गया है। ये कैसे बिहेव कर सकता है आप लोग इधर भी चेक कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ डिसीजन लेने के लिए सुविधा होगा और इधर मैंने स्टैंडर्ड ये
डिवीजन और